हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडसेट क्लास। यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ZX AF सीरम के बारे में और इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कैसे इसको लिया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, सब बताऊंगा। इससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, ZX AF या कोई भी दवाई हो या कोई भी सीरप हो, याद रखिए कि डॉक्टर की सलाह या पर्ची के बगैर ना लें, क्योंकि काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और काफी गुड इंडिकेशन होना चाहिए और क्लिनिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही देना बेहतर रहेगा। तो ये देख सकते हो ZX, आप यहाँ पर AF, ZX AF इसको बनाया है रेड्डी कंपनी ने, डॉक्टर रेड्डीज कंपनी ने, और इसकी दाम मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। और याद रखिए ZX AF जो होता है, इसके कंटेंट्स दो है, फिनालेफ्रिन और क्लोरफेनारमिन मैलिएट। फिनालेफ्रिन और क्लोरफेनारमिन मैलिएट, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन काफी कॉमनली यूज किया जाता है उन कंडीशन में जहां पर सिक्रीशंस होते हैं, स्पेशली नेजल सिक्रीशन यानी नोजियाना यानी कोल्ड में यूज किया जाता है। काफी बेनिफिट्स होते हैं, इसकी वजह से सिक्रीशंस बंद हो जाते हैं और सर्दी ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी सर्दी के साथ साथ ये खांसी भी अगर हो सके तो भी कम कर सकती है, क्योंकि अगर खांसी की वजह कारण अगर उसके अंदर सिक्रीशंस होते हैं तो भी ये हेल्प करती है। इसीलिए इसके साथ साथ आपको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है खांसी की दवाई। तो याद रख लिए, इसके साथ एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं होता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डोज गलत होता है या हद से ज्यादा हो जाता है तो याद रखिए मिनिमल ड्राउजीनेस होता है यानी नींद आने लगती है। तो इसीलिए बच्चों में देखकर इस्तेमाल करें, सिरप और ड्रॉप्स दोनों काफी अलग होते हैं। और याद रखिए कि ये जो ब्रांड आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड ब्रांड है और डॉक्टर रेड्डीज ने बनाया है, और इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और इसीलिए बच्चों को काफी पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को।